चाहिए आप? मैं इंदौर से आई हूँ जी। आपका शुभ नाम क्या है? रानी शर्मा। अच्छा, आपका? राखी शर्मा। आपका? ममता शर्मा। आपका? निखिल शर्मा। आपका? गौतम शर्मा। आपका? रवि शर्मा। अच्छा, ये शर्मा परिवार है जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से काशी भ्रमण पे आया है। क्या लगा है आपको, ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से मोदी जी सांसद चुने गए और देश के प्रधानमंत्री बने, कैसा लगा बनारस आपको देख करके? बहुत गंदगी लगी, जो उम्मीद थी वैसा कुछ भी नहीं लगा। बाकी धार्मिक क्षेत्र है, बस इस हिसाब से आए थे। बाकी गंदगी देखकर बड़ा वो लगा कि इतनी गंदगी हो सकती है, यहाँ सोचा नहीं था। जगह जगह पे तो गाय मरी हुई पड़ी है, गायों का, पशुओं को मरा हुआ पाया, और वो भी दो दो चार चार दिन होगा। इतनी गंदी स्मेल आ रही, वहाँ से निकलना मुश्किल। और विश्वनाथ मंदिर में आपने दर्शन किया, वहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? वहाँ की व्यवस्था तो बहुत ही खराब लगी। उज्जैन के मुकाबले बताइए। वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं थी। विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्था सही नहीं थी? बिल्कुल नहीं। पुलिस वालों को तमीज नहीं बोलने का जी, जी। लेडीजों से व्यवहार करने का, लेडीजों को तमीज नहीं है। को पकड़ के इस तरीके से तरीके से दर्शन चुका दी जाते, बहुत गंदे तरीके से मतलब व्यवहार किया। बोलो तो महिलाएं, जो पुलिस महिलाएं हैं, वो वर्दी का मतलब ऐसा रुबाब दिखाती है वहाँ पर। लेकिन हमारे एमपी में महाकाल ने बहुत ज्यादा इस चीज की दर्शनार्थियों के लिए बनारस का नियम है तो सबके लिए। जी जी। अच्छा, बनारस की सड़क वगैरह कैसी लगी आपको? बहुत खराब खराब, बहुत छोटी छोटी सड़क, छोटी छोटी। मोदी जी को थोड़ा छोड़ फोड़ करना चाहिए। बाकी इस मुकाबले अगर देखा जाए, आपको देखने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो यहाँ मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, योगी और मोदी एक जगह होते हैं। मोदी जी को यहाँ 10 में आप कितना नंबर देंगे कामों के आधार पर? जीरो 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 नंबर। जीतने काय में भी नहीं, रोड में भी। मोदी जी ने सब दूर ध्यान दिया, लेकिन यूपी की हालत मैंने सुना था, यूपी की हालत बहुत खराब है। आंखों से देखा, यकीन हुआ बहुत खराब हालत है। क्योंकि काशी बहुत अच्छी पवित्र जगह बोलते हो, आप सबको तो यहाँ रहते हुए कितना लग रहा होगा, ये हमें समझ नहीं आ रहा। हम घबरा रहे हैं दो दिन में। हम लोग मैम अभ्यास कराने के लिए हम लोग हमें यहाँ पे दो दिन में घुटन हो रही है, ऐसा लग रहा है बस निकले हाथ से।